तो कितनी बर्बरता के साथ डॉक्टर रिद्धु पे उसके मनोप्रेर सर को अपेक्षा में अटैक किया है। अभी दिखा दो डॉक्टर रिद्धु को पूरा हाथ फ्रैक्चर हुआ पड़ा है और कुछ तो मारा इन्होंने, पूरा चकमी है। मैंने यहाँ पे मारा है ये चाकू या ब्लेड, कुछ तो मारा इन्होंने। पुलिस आज पहली बार चाकू कैरी करके रखी है अपने पता नहीं कैसे कैसे हथियार जो जो इनपे एक पीसफुली हम वॉक कर रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं कर। पुलिस का चेहरा दिखाओ, दिखाओ इसका चेहरा, मेरे फोन में इसका चेहरा दर्द होना चाहिए। ये अमित शाह ने इनको गुंडी का ऑर्डर दिया है कि मारना महिलाओं को, अत्याचार नहीं, पूरा फेस दिखाओ आना चाहिए, हमारी फेस भी करनी है ना, ये दिखाना, इसका चेहरा दिखाओ, पूरी दुनिया देखे इसको डायरेक्ट ऑर्डर दिया। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, इस तरीके के गुंडे मारे अमित शाह ने। इनको ये बोला होगा कि आपको जान से मारो, इसलिए आपको इतना ही कोर्ट पहुंचाने ताकि अमित शाह जी को दिखा सके। और पहुंचाने थी जस्ट दैट न्यूज तो मैं टाइम पे आप आगे हम अंदर आगे ये और पहुंचाने थी इसका पूरा आज इसको ऑर्डर का मेरा सिर्फ पढ़ने का जिस तरीके से इतने मेरे पैर खींचे। मैं वही बता रहा आपको जो अपना गुस्सा है सर इन पे केस कर दूंगा, अमित शाह का गला घोटेंगे ना जाकर। नहीं वो उनको बच्चे इनके इनकी नौकरी छीन लेंगे, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पीटे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इनके बच्चे भूखे मरेंगे, इनकी भी मजबूरी होगा। आप लेकिन लड़ाई आप ही लड़ रहे हो, इनको कुछ नहीं पता है। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के लिए है, इनके बच्चों के लिए, सबके लिए। तो इनसे हमारी लड़ाई नहीं, हमारी अमित शाह जी से लड़ाई है, मोदी जी से लड़ाई है। आज मोदी जी कितना बड़ा एक्सपोज हो गए, वो नाटक करते हैं, मोदी जी के घर में जाकर खाना खाता हूँ, मेरे भाई हैं, मैं सीए दे रहा हूँ, ये किसी को नागरिकता देके ये करेंगे, ये करेंगे, को इकट्ठे नहीं होने दिया, सीए देके ये करेंगे, जो नागरिक है उनके साथ ये कर रहे हैं, इसके लिए सीए में ना किसी को बाहर से बुला के देंगे, यही हो रहा होगा ना बाहर के देशों में भी शरण दास समिति के साथ, क्या हो रहा होगा आपको कैसे बेगुनाह पे आप लाठी आप इतने अत्याचार चाकू मार सकते हैं इस तरीके के लगे थे? यही नागरिकता दे रहे हैं आपको, जो आप नागरिकों तो नागरिकों के साथ है, कौन आएगा कोई प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं जाएगा। अब कोई प्रताड़ित होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में तो मेरे ख्याल से वो भारत आने की वो नहीं करेगा, जब भारत में शुभकाश समिति के साथ ये हाल करते जो नागरिक है। ये मोदी जी का अब असली चेहरा निकल के आ रहा है ना सामने, ये सीए का असली चर्चा इनका। अब कहीं और जाना पड़ेगा, भारत नहीं आना पड़ेगा, अगर कोई शुभकाश समिति का व्यक्ति प्रताड़ित नहीं है भारत नहीं आएगा वो। शांतिपूर्वक पकौड़े अपने बेचने जा रही थी, कोई प्रोटेस्ट कर रही थी, आजकल मार्च हो रहा था, कुछ भी करने वाला था, ये अपने पकौड़े बेचने जा रही थी। यहाँ पे पूरी नई दिल्ली में सैकड़ों लोगों को इजाजत है पकौड़े बेचने की, आइसक्रीम बेचने की, अपने दूसरे ठेले लगाने की, सिर्फ इन्हीं को क्यों आइडेंटिफाई किया गया? ये बुनियादी बात।